हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू ग्रो माई हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपकी जून के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ जून। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर सेकंड वीक ऑफ जून। जस्टिस, Ten of Pentacles, Three of Cups, The Fool in Reverse। So I think justice आपको मिलने वाला है कैप्रिकॉर्न। कोई चीज बैलेंस होने वाली है। शायद आपके पार्टनर आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे ज्यादा जितना कि वो आपके लिए कर रहे थे या आपको दे रहे थे। सो ये टाइम है चीजों को बैलेंस करने का। और इस पर्सन को, इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना होगा अगर वो इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। अदरवाइज कर्मा उन्हें इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि यहां पर टेन ऑफ पेंटिकल्स है आपके लिए। यहां पर बहुत सारी अच्छी चीजें वेट कर रही हैं। यहां पे आपके लिए खुशियां हैं, पॉजिटिव एनर्जी है। बहुत समय बाद हो सकता है कि आप किसी फैमिली गैदरिंग में इकट्ठा हो, किसी पार्टी में जाएं या अपने फ्रेंड्स और फैमिली से मिलें। यहां पर आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लोग आपसे अट्रैक्टेड हैं एंड बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत वक्त से आपके फेवर में नहीं हुई थी, लेकिन अब वो आपके फेवर में होंगी। एंड शायद आपके इस अच्छे वक्त का हिस्सा बनने के लिए इस पर्सन को पहले अपना कर्मा का डेट क्लियर करना होगा या अपने कर्मों का हिसाब क्लियर करना होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो आपके लाइफ का हिस्सा बनना डिजर्व नहीं करते हैं। यहां थ्री ऑफ कप्स के साथ आप में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है, ये पर्सन इंटरेस्टेड है, और शायद कोई थर्ड पर्सन जो कि शायद आपका फ्रेंड हो या कोई ऐसा जिससे आप मिले, आप उनमें इंटरेस्टेड हो या ना हो, ये पर्सन एकदम से आपके लिए इंटरेस्ट डेवलप कर लेगा। इस पर्सन को आपसे अट्रैक्शन फील होगा ऑल ऑफ अ सडन। एंड ये पर्सन आपको बार बार अप्रोच करने की कोशिश करेगा या ज्यादा से ज्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगा, चाहे उसके लिए वो किसी भी तरीके के एक्सक्यूजेस दे या किसी भी तरीके का बहाना बनाए। यहां पे द फूल का कार्ड रिवर्स में है। यहां पर ये वार्निंग है आपके लिए कि कुछ भी करने से पहले सोचिए। शायद इस पॉइंट पर आपको कुछ नहीं करना चाहिए, थोड़ा ठहरना चाहिए। आप कोई भी जजमेंट करेंगे अगर इस वीक में, तो उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। अगर आप किसी को चूज करते हैं अपने लिए इस वीक में, तो शायद वो कुछ ज्यादा जल्दी हो जाए, आप इस पर्सन के बारे में सब कुछ ज्यादा जानते ना हो और शायद वो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम बने। या आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो उसके लिए भी आपको टाइम लेना चाहिए, क्योंकि शायद क्लियरली बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आपको सॉर्ट आउट करनी है और आपको पता नहीं है। जस्टिस के साथ आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कैप्रिकॉर्न, आपको कोई डिसीजन करने की जरूरत ही नहीं है, आपको कोई स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स अपने आप आपका काम करेगा। इस वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ना कि सिर्फ आपका पार्टनर, बल्कि वो सभी लोग जो कि आपको हर्ट कर रहे थे या जिन्होंने भी आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स लाए थे, उन सबको अपना हिसाब क्लियर करना पड़ेगा। हालांकि शायद आप ये ना चाहते हो कि आपके पार्टनर को किसी तकलीफ से या परेशानी से गुजरना पड़े, बट कर्मा इज कर्मा, सो यूनिवर्स इस चीज का हिसाब जरूर बराबर करना चाहेगा, नहीं तो वो आपके लाइफ का हिस्सा नहीं बन सकते। यही रूल है यूनिवर्स का। सो यहां पे टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप अपने टाइम को एंजॉय कीजिए बस। इस पॉइंट पर आपको कुछ सोचने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ नहीं भी करेंगे तो भी आपके काम बनते जाएंगे। स्टे पॉजिटिव और अच्छा सोचिए, और ये पर्सन भी आपके लाइफ में वापस आ जाएगा या दोबारा से कॉन्टेक्ट में आ जाएगा या दोबारा से चीजें अच्छी हो जाएंगी एक बार इनका कार्मिक डेट क्लियर हो जाए उसके बाद। यहां पे पेंटिकल्स है, यहां पे कप्स है, सो हो सकता है आप किसी अर्थ साइन या वाटर साइन से डील कर रहे हो। ये इतना भी जरूरी नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, सो साइन तो कोई भी हो सकता है। एंड ये ऑफकोर्स सबसे रेजोनेट नहीं करेगी।
एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। The lovers, Nine of Pentacles. Queen of Wands, Eight of Pentacles. So the lovers का कार्ड इधर है। आपको डरने की जरूरत नहीं है कैप्रिकॉर्न। I think आप परेशान है कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, क्या इसका कोई फ्यूचर है या नहीं। आपको सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि द लवर्स हैं आप एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, आप सोलमेट हो सकते हैं। एंड जब कोई चीज आपके लिए है तो वो बार बार आप तक आएगी एंड आपको यहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शायद कुछ चीजें होती हैं हम सबके लाइफ में जिन्हें हमें क्लियर करना जरूरी है, जैसे इस पर्सन का कुछ कार्मिक डेट हो सकता है जो इन्हें क्लियर करना है, हो सकता है कि इन्हें लेसन देने के लिए कोई और इनके लाइफ में आए। जरूरी नहीं कि थर्ड पार्टी आई मीन रोमांटिक इंटरेस्ट बन के आए, बट कोई भी हो सकता है जो उनको सिचुएशन में रख सकता है जहां उनको समझ में आ जाएगा कि उनको क्या नहीं करना चाहिए था। उसके बाद रास्ते क्लियर हो जाते हैं एंड चीजें आगे बढ़ने लगती हैं। सो द लवर्स के साथ वही होगा क्योंकि आप एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है। यहां पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके अंदर पावर है मैनिफेस्टेशन की। आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं और ये टाइम है आपका। सो पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव चीजों को सोचिए एंड आपकी लाइफ में वो चीजें आएंगी। यहां पर आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, बस अपने वक्त को एंजॉय कीजिए। ये वक्त अच्छा होगा, इसे एंजॉय कीजिए एंड अच्छे थॉट्स अपने दिमाग में सोचिए। आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि डरने वाली कोई बात ही नहीं है जब तक आप द लवर्स हैं। सो यहां पर आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, चीजों को मैनिफेस्ट कीजिए। क्वीन ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ वांड्स के साथ इस वक्त जो कोई भी आपको देख रहा है वो आपके कॉन्फिडेंस से अट्रैक्टेड है। उन्हें लग रहा है कि आप कितने सेल्फ सफिशियंट हैं, आप कितने इंडिपेंडेंट हैं, आप कितने चार्मिंग हैं, आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है टफ सिचुएशन को भी संभालने की और टफ चीजों से भी डील करने की। और आप जानते हैं कि आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए। सो यहां पर जो कोई भी है वो आपकी पर्सनालिटी से बहुत अट्रैक्टिव है। यहां पर एट ऑफ पेंटिकल्स है। एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये वक्त है अपने ऊपर फोकस करने का, अपनी हॉबीज पर फोकस करने का, अपने ड्रीम्स को ट्रू करने का, अपने वर्क पर फोकस करने का, क्योंकि यहां पर ग्रोथ है। यूनिवर्स आपको चांस दे रहा है ग्रो करने का एंड आपको उसे जाने नहीं देना चाहिए किसी टेंशन के कारण। ओके, चलिए देखते हैं आपके क्या मैसेजेस हैं ओरेकल के। ओके, सनत कुमार, लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। ये वक्त है आपके लिए शाइन करने का, ये वक्त है आपके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का, ये वक्त है आपके लिए दूसरों को ये दिखाने का कि आप कौन हैं, अपने कॉन्फिडेंस को दिखाने का। जैसे मैंने कहा क्वीन ऑफ वांड्स के साथ आप बहुत पावरफुल हैं, आपके अंदर चार्म है, कॉन्फिडेंस है और यही चीज दूसरों के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। इस चीज को एक्सप्रेस कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस कीजिए दूसरों के सामने और आपकी गाइडेंस आपके इंट्यूशन से आ रही है, आपके मन से आ रही है और वो लाउड है और क्लियर है,
उसे समझने की कोशिश कीजिए, उसको सुनने की कोशिश कीजिए. ओके, एंड जो कुछ भी आपका मन आपको कह रहा है बस फॉलो करते जाइए. किसी चीज को लेके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर चीज अपने आप लाइन में आ जाएगी. तो ये थी रीडिंग जून के सेकेंड वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.